पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट टाइम टी इक्वल टू जीरो एंड मूव्स अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज शोन. व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड. ठीक है, तो आपको वेलोसिटी वर्सेज टाइम ग्राफ दिया गया. आपको पूछा गया है पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल टू 5. ठीक है ना, तो आपको पता है कि ग्राफ दिया हुआ है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया चेंज इन पोजिशन देता है. ठीक है ना, तो एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ आपको क्या देता है, चेंज इन पोजिशन. ठीक है, चेंज इन पोजिशन क्या होता है, एरिया अंडर एक्स टी ग्राफ. अब चेंज इन पोजिशन डिपेंड करेगा आप कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालो. तो अगर मैं एरिया यहाँ से यहाँ तक का निकालूँ, यहाँ से यहाँ तक का कहाँ तक निकालना है, टी इक्वल टू 5, यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल रहा हूँ. ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का एरिया मतलब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये एरिया का बात हो रहा है. जहाँ का ग्राफ जहाँ तक हाइट तक है वहाँ तक ड्रॉ कर लो. ठीक है, ये वाला एरिया का बात हो रहा है अगर आउटलाइन दिखाऊँ तो आपको. ठीक है, तो ये वाला एरिया हम लोग को निकालना है ना. तो चलो ये वाला एरिया निकालते हैं. ठीक है, अब वाले एरिया निकालने के बाद अगर आप स्क्वायर्स गिनो तो यहाँ पे कितने स्क्वायर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हाफ ऑफ मिल के 9. ठीक है, 0.5, 0.5. तो एरिया अंडर द ग्राफ क्या हो जाएगा, 9 स्क्वायर्स के बराबर. एरिया ऑफ 9 स्क्वायर्स, 9 स्मॉल स्क्वायर्स है ना, स्मॉलेस्ट स्क्वायर्स. ठीक है, और एक स्क्वायर का एरिया क्या होगा, कोई भी एक स्क्वायर को पकड़ोगे तो उसका लेंथ 1 है, ब्रेथ भी 1 है. ठीक है ना, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर कितना है, 1 है. तो 9 स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 9 × 1. ठीक है, अब ये तो मीटर पर सेकेंड में, ये सेकेंड में है तो इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो. एरिया मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड मतलब मीटर्स, तो 9 मीटर्स. तो एरिया कितना आ गया, 9 मीटर. ये मैं सोचना सर एरिया में तो मीटर स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, ये एरिया ग्राफ का एरिया है ना, तो जो भी ग्राफ का मतलब ये यूनिट्स है उनको मल्टीप्लाई किया करो. ठीक है, तो डेल्टा एक्स इतना आ गया. अब हम लोग कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकाले थे, किस टाइम से किस टाइम का, टी इक्वल टू 0 से लेकर टी इक्वल टू 5 तक का एरिया निकाले थे. ठीक है, तो आपको चेंज इन एक्स मिलेगा, आपका फाइनल एक्स हो जाएगा एक्स का वैल्यू टी इक्वल टू 5 एंड इनिशियल एक्स हो जाएगा एक्स का वैल्यू टी इक्वल टू 0. ठीक है, तो चेंज इन एक्स 9 के बराबर है और चेंज इन एक्स कहाँ से कहाँ के बीच में निकाले हो, टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 5 के बीच में, मतलब एक्स का वैल्यू एट टी इक्वल टू 5 माइनस एक्स का वैल्यू टी इक्वल टू 0 9 के बराबर. ठीक है, तो आपको पूछा कि एक्स का वैल्यू टी इक्वल टू 5, तो एक्स का वैल्यू टी इक्वल टू 5 ये इंटू नहीं है, एक्स का वैल्यू टी इक्वल टू 5 है ना, टी इक्वल टू 5 भी लिख सकते हो. एक्स का वैल्यू एट 0 क्या है, ओरिजन है, तो टी इक्वल टू 0 पे ओरिजन पे, तो एक्स का वैल्यू एट टी इक्वल टू 5 कितना हो गया, 9. ठीक है, ऑप्शन डी. नेक्स्ट जेईई में 2019 के क्वेश्चन के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन के लिए.